भाजपा जिलाध्यक्ष कपिल देव वर्मा ने थाना लीगन में दर्ज मुकदमे पर टिप्पणी करते हुए कहा कि पार्टी में बढ़ रही हमारी लोकप्रियता को हमारी ही पार्टी के कुछ नेता हजम नहीं कर पा रहे। उन्होंने कहा कि हमारी छवि खराब करने की नीयत से साजिशन उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराने का षड्यंत्र रचा गया। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं के हित एवं सम्मान में संघर्ष कर रहा हूं और करता रहूंगा। इसके लिए हमारे विरोधी षड्यंत्र के तहत चाहिए जितना फर्जी मुकदमा दर्ज कराते रहे। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर थाना अलीगंज में भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष सहित 6 लोगों के विरुद्ध विभिन्न संगीन धाराओं में बुधवार को दर्ज मामले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए पूर्व जिलाध्यक्ष कपिल देव वर्मा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में दिन प्रति बढ़ रही उनकी लोकप्रियता से उन्हीं की पार्टी के कुछ नेताएं उनसे जलन रख रहे हैं। अभी हाल ही में पटेल जयंती पर उनके आयोजन में आयोजित कार्यक्रम की सफलता से उनके विरोधियों की बेचैनी बढ़ गई है। बहुत कम समय में ही उनको पार्टी द्वारा जिलाध्यक्ष बना दिया जाना, उसके बाद टांडा विधानसभा का टिकट देकर चुनाव लड़ाया जाना विरोधियों को रास नहीं आ रहा। यही कारण है कि विरोधी समय समय पर एक न एक साजिश रचकर उनकी छवि धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता के हित और सम्मान के लिए शुरू से ही संघर्ष करता चला आ रहा हूं और करता रहूंगा। इसके लिए चाहे कितना मुकदमा दर्ज हो इसकी परवाह नहीं है। सभी कार्यकर्ताओं के मान सम्मान के लिए हमेशा लड़ा हूं और लड़ता रहूंगा। सम्मान के प्रति मैं कभी समझौता नहीं किया हूं। मुझे चाहे जिस हद तक जाना पड़े इन कार्यकर्ताओं का अपमान बर्दाश्त।